देशमुख, श्री विजय कुमार देशमुख जी, श्री सचिन कल्याण शेट्टी जी, माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र काले जी, लोकसभा के संयोजक विक्रम देशमुख जी, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम सतपुते जी, संतोष पवार जी, मनीष काले जी और अभी मेरे साथ ही आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता माननीय श्री गुलाबराव पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी एनसीपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सोलापुर की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक ऐसी पावन भूमि जिसके मध्य में रेवण सिद्ध, पश्चिम में भागवत का पंडरपुर, पूरब में स्वामी समर्थ जी का कलकोट, उत्तर में आई भवानी का तुलजापुर और दक्षिण में गुरुदेव दत्त जी का गाननापुर स्थित है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके, उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले,
और श्री बाला साहब देख बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फुले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फुले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो शिलान्यास मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घोंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा? हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं, इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए हैं, जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंदर बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेनबाड़ी करती थी। आज मोदी जी ने आपके लिए जनधन अकाउंट खोल दिया, पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा।
बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना और 4 करोड़ गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन स्टीपन मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और उससे भी बढ़कर के है आपकी आस्था का सम्मान। क्या अयोध्या में प्रभु राम लला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब राम मंदिर बन गया तो फिर कहते थे कि मंदिर की डेट कब, जब राम मंदिर के लिए जब